क्वेश्चन 7 करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है नेगेटिव 1/2, ब्रैकेट लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव 2 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पावर है नेगेटिव 1। ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर होती है तो क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर में 2 × -2 × -1। 2 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 4, उसको नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पावर आती है। नेगेटिव 1/2 × 4 पावर पॉजिटिव आती है, ठीक है। और नेगेटिव 1 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो पॉजिटिव 1 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो कितना आता है, 16। ओके चलो अब इसका बी वाला पार्ट करते हैं। 3 to the power 0 है, पावर 0 है, इट मीन्स वहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 3 to the power -1 है तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/3, ठीक है। और नीचे क्या है, 3 to the power -1 मतलब 1/3, देन माइनस का साइन 1। चलो अब इसको आगे करेंगे। आपको रैशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता ही है। देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इस 1 के नीचे 1 है और इसी तरह इस वाले के नीचे भी 1 है, तो एलसीएम लेके ऐड किया जाता है। छोटा सा बार लगा लेते हैं, 3 लिख देते हैं, बड़ा वाला बार इससे नीचे ही आएगा। ओके और यहाँ आएगा 3+1, नीचे क्या आएगा, एलसीएम तो 3 आएगा, 1 − 3 आएगा। ओके तो आगे करेंगे, ऊपर आएगा 4/3 / यहाँ देखो -3 है, मैं इससे 1 जाएगा तो -2/3 बचेगा, ठीक है। 4/3 डिवाइड के प्लेस पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, नेगेटिव साइन लगेगा, आगे याद रखना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 की टेबल से काटेंगे ये 2 पे कट जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारे पास -2 आंसर आएगा। क्वेश्चन 8 करते हैं। 4 to the power 10 दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/4 to the power 5 दिया है, इसका हम 4 बेस लेके आएंगे तो पावर जो है माइनस में हो जाएगी और 8 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। 4 to the 8 इन दोनों की पावर है -3, ठीक है जी, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके (4 to the power -3) ये -3 4 की भी पावर है और इस 2 की भी पावर है, (2 to the power -3). ओके अभी हम देखो 20 इन तीनों का सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 4 to the power 10 में ऐड करेंगे -5, फिर वापस से ऐड करेंगे -3 और मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख देंगे 2 to the power -3। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 4 to the power 2, 10 में से 8 माइनस हो जाता है, ठीक है, (2 to the power -3). अभी हम 4 को 2 के बेस में लेके आएंगे, 2 × 2 = 4 होता है ना, ये 4 हो गया और इसकी पावर 2 है क्योंकि 4 की पावर 2 थी। इस तरह से 2 to the power 4 × 2 to the power -3 आता है, बेस सेम हो गया, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 to the power 4 में प्लस करेंगे पावर 3, इस तरह से हमारे पास बचता है 2 to the power 1 और इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 हमारा आंसर है, इसलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 9 करते हैं। हमें 10 to the power x बताया है कि 1/2 है, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, 10 to the power -8x। देखो आपको याद हो तो हम इसको पावर को फैक्टराइज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 to the power x / (8). जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं इसको तो हमारे पास क्या आता है, 10 to the power -8x, यही आता है ना, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ फिर आगे समझाती हूँ। और 10 to the power x की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है,
यहाँ पे हम वो वैल्यू रख लेंगे 1/2, देन ब्रैकेट लगाएंगे होल टू द पावर नेगेटिव 8। पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/2 का ऐसे प्रोकल कर देते हैं 2 to the power 8, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 टाइम तो हमारे पास आएगा 256। डी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 10 करते हैं, हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 9 to the power -2 है, ये नीचे आ जाता है बार से, 9 to the power 2 हो जाता है। ठीक है, पावर को पॉजिटिव करना होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, नहीं 1/9 हो गया। इसी तरह ये 18 की पावर भी नेगेटिव 4 है, ये भी बार से नीचे आ जाता है, 18 to the power 4 हो जाता है, और 3 to the power -16 है, ये ऊपर चला जाता है। इस तरह से पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं हम। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय है 9/4 to the power -2, इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है तो अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते 4/9 to the power 2। ओके, 3 to the power 16 into 4 to the power 2, इसको भी हम इसी के साथ ले लेते हैं, देन बार लगाएंगे 9 to the power 2 into 18 to the power 4 into 9 to the power 2, ये वाले 9 की पावर 2 भी हमने बाहर से नीचे लिख दी। ओके, 3 को हम एज अ 9/20 बना देते हैं। देखो 3 की पावर 16 है, अगर 3 की जगह हम 9/20 लेते हैं तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, 9 to the power 8 into 4 to the power 2 upon, देखो 20 9 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है, 9 to the power 4 इंटू 18 को 9 के रूप में 20 लेके आ सकते हैं हम, क्योंकि देखो 9 2 18 होता है, तो ये पावर जो 4 है ये 2 की भी रहेगी और ये 9 की भी रहेगी। ठीक, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, आराम से वीडियो को देखना है और समझते हुए चलना है। ओके, अभी आगे करते हैं, 9 to the power 8 है, बार से नीचे देखो 2 की पावर 4 है और यहाँ ऊपर 4 की पावर 2 है, इसको हम 2 के 20 में ले आते हैं। अगर 4 की पावर 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक, 9 to the power 4 और ये वाली पावर 4 ऐड हो जाती है तो आता है हमारे पास 9 to the power 8 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 4 और ये आपस में जाते हैं कट, इस तरह से हमारे पास 1 आंसर आता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आई विल अपलोड यू नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।